गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश बोर्ड व परिषद या जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 4 खनिज एवं धातु के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को पढ़ लिया होगा, लिहाजा आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इस कार्य को अपनी कापी में भी नोट करना। तो देखते हैं विज्ञान पाठ 4 के प्रश्न और उत्तर। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। पहला विकल्प है लकड़ी की मेज, दूसरा है स्टील की कुर्सी, तीसरा है खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ और चौथा है तेल लेपित लोहे की छड़। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ में जंग लग सकता है, यानी कि वो संक्षारित हो सकती है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है, सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। इसका सही विकल्प है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ग, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। पहला है फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, निस्तापन विधि। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला स्टेटमेंट, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, यहाँ पर मिट्टी का तेल लिखना है। दूसरा, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तथा नमी लिखा जाएगा। नेक्स्ट, धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है, यहाँ पर तन्यता लिखा जाएगा। नेक्स्ट, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में आपको अयस्क लिखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, हीरा कार्बन का रूप है, ये सही कथन है तो सही का निशान लगाना है। हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये गलत है तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ग, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। क्वार्टर्ज धात्विक खनिज है, ये गलत है तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, यहाँ पर भी आपको सही का निशान लगाना है। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये गलत है तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोलम ए के शब्दों को कोलम बी के शब्दों से सही मिलान कीजिए। ए और बी, बॉक्साइट के सामने लिखेंगे एल्यूमिनियम, गैलेना के सामने लिखेंगे लेड, हेमेटाइट के सामने लिखेंगे आयरन और पाइरोलुसाइट के सामने मैग्नीज। तो इस तरह से आपको ये बहुत ध्यान से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। इसका उत्तर देखें, खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातु कर्म से क्या समझते हैं। धातु कर्म, किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की अघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण का क्या अर्थ है। इसका जवाब है, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। एक बार फिर देखें, जब धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में बदलते हैं तो उसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता, तथा जब धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदलते हैं तो उसे बोलते हैं तन्यता। अगला सवाल, धातुओं का संक्षारण क्या है। कुछ धातुओं को नम हवा में रखने तथा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह जम जाती है, यानी कि जिसे हम जंग बोलते हैं।
इस प्रकार धातु कमजोर हो जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। धातु का संक्षारण का जो हम बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में, जैसे कहते हैं कि जर लग गया, जंग लग गया, इसकी जो वैज्ञानिक शब्द है ये होता है संक्षारण। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। इसका जवाब है सोना तथा चांदी। अगला प्रश्न, मिश्र धातु क्या होती है? इसका जवाब देखें, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला आदि। अयस्क, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट, जिप्सम और कैलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। इसका जवाब है पारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि 4Na प्लस O2 बराबर 2Na2O। मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सफ़ेद पाउडर 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। अगला प्रश्न, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकलती है, जबकि अधातु में जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? लोहा लिखा है इसमें, लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, यहाँ पर पाया जाता है। तांबा आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सोना कोलार खान कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को दो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब है, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे कि सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू हो जाता है 2NaOH प्लस H2। नेक्स्ट, मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे कि Mg प्लस H2O इक्वल टू हो जाता है MgO प्लस H2। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया इस प्रकार से है, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू हो जाता है 2NaOH प्लस H2। सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि 4Na प्लस O2 इक्वल टू हो जाता है 2Na2O। अगला क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से लिख लेंगे, क्रम संख्या, गुण, धातु और अधातु। पहले भौतिक अवस्था की बात करें तो धातु की जो भौतिक अवस्था होती है वो कठोर, ठोस और चमकदार होती है। अधातु में द्रव व गैस, ये सब जो अधातु होती है इनके भौतिक अवस्था होती है द्रव व गैस के रूप में, जैसे कि ठोस कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। अब आता है जो अगला गुण है, घनत्व और गलनांक। धातुओं का ये अधिक होता है और अधातुओं का कम। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, धातु सुचालक होती हैं और अधातु कुचालक। आघात वर्धनीयता और तन्यता, धातु जो होती हैं
वो आघात वर्धनता एवं तन्यता होती है इनमें, जबकि अधातु भंगुर एवं तन्यता विहीन होती है। जल से क्रिया, धातु सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती है, जबकि इस अधातु में सामान्य ताप पर क्रिया नहीं होती है। धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब इस प्रकार से है, धातु के संक्षारण की रोकथाम की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर, धातु की वस्तु की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। नंबर दो है ग्रीस या तेल लगाकर, नए औजारों जैसे कि कैंची, चाकू, मशीन आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। नंबर तीन गैल्वनीकरण यानी कि धातु चढ़ाना, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली चरत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी और को बनाने में किया जाता है। नंबर चार विधि है इलेक्ट्रो प्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। अगला है मिश्र धातु बनाकर, कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या धातु अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्रण मिश्र धातु है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों? इसका जवाब देखिए आप, लकड़ी ताप का कुचालक है, इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलता है, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चन जो पार्ट चार से संबंधित हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इस कार्य को अपनी कापी में अवश्य नोट करना। इस वीडियो को यदि मेरे शिक्षक साथी देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को वो अपने विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में अवश्य शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।